हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल है भाई? हो कैसे हो? क्या हाल है भाई? सभी को राम राम। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? और लेके अच्छा, एक बात बताओ, कौन कौन काका भाई का फैन है जिनका आजकल बड़ा जबरदस्त नया गाना चल रहा है? मतलब नया है या पुराना, बट पता नहीं वो वाला क्यों था, 10 की करा तेरे ते मरा, कैण तो डरा कै लैण दे। कौन कौन भाई यहाँ पे काका का फैन है? काका भाई। अच्छा चलो, एक बात बताओ, काका भाई का गाना किसे आता है यहाँ पे? मेरा मन है यार कि काका भाई के अलावा और कोई वो पंजाबी वाला गाना कौन गा सकता है, तो एक बारी मैं सोच रहा था कि भाई के साथ में बात की जाए जिसे ही वो गाना आता है। कौन कौन यहाँ पे काका भाई का फैन है ये बता दो। दानिश भाई आपको आता है? चलो दानिश भाई, रिक्वेस्ट भेजो आप, मैं आपको ऐड करता हूँ और गाना सुनाना। आज थोड़ा फन अपनी फैमिली के साथ में किया जाए, उनके साथ में। तो दानिश भाई आने वाले हैं, थोड़ा सा शायद देखते हैं। यार काका भाई का जो गाना है ना, दिल को छू जाता है। पता है, अब तक मैं 200-250 बार सुन चुका हूँ उनका ये गाना, 10 की करा वाला। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं होके दे रहा है एकदम। और अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि मतलब लाइक नैनीताल में दिल्ली वालों का आना जाना है या नहीं है, और उसमें मसूरी में कौन कौन है यहाँ उत्तराखंड से, नैनीताल से और मसूरी से? तुषार भाई आपको आता है? चलो तुषार भाई, मैं लाइव लेता हूँ। 10 की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कै लैण दे। तो देरे दानिश दानिश इस दानिश। कोई रिक्वेस्ट भेजिएगा तो मैं उनसे बात। हाँ यश भाई, बढ़िया क्या हाल है दानिश भाई, कैसे हो आप? भाई, बढ़िया यार। आपसे पहले भी बात हुई थी भाई इंस्टाग्राम पे, आपने रिप्लाई भी किया तो सर, आप में मतलब 0% एटीट्यूड है सर। अरे क्या करेंगे, एटीट्यूड है यार। सही है सर, इसीलिए आपको मैं मैसेज करो, मेंशन करो, आप रात तो रिप्लाई दे देते हो यार, कोई नहीं देता एकदम। तो इतना फेम अरे होने के बाद कोई बिल्कुल रिप्लाई कोई नहीं करता किसी देखो, मैं का। ना दिन में तो आज पहली बार जाग रहा हूँ, वरना होता क्या है कि मैं रात भर जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। वैसे आप टेम्परेली प्यार वाला इतना सॉन्ग किस रेट्स के पीछे अरे आए मैं, थे? हाँ जी, अरे अरे वो सॉन्ग टेम्परेली क्या रिट्स के पीछे सुन रहे हो या ऐसे अपने मर्जी से सुनते हो? भाई काका भाई की जो आवाज है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ गई, तो मतलब मजा आ रहा है उनके जो वर्ड है ना। अभी पूरे इंडिया में फेमस है भाई, पूरे इंडिया में फेमस है और टेम्परेली। बंदे का, काका भाई का जो एटीट्यूड है ना, दिल से मतलब 0 लेवल है यार, कुछ भी नहीं है उनमें। हाँ तो चलो दानिश भाई यार, दस हो तेरे जाए। ते मरा, कहण तो डरा कह लेने दे, ओ मेरे जज्बात छड़े इको गल कहंदे, जड़े दस नेड़े तेने के लेन दे। क्या हाँ बात है, अच्छा। आज भी मस्त ध्यान दी अरे काका, भाई मतलब आपके काका साथ। भाई का ऐसा है कि उन्हें म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, हाँ मतलब उन्हें कहते हैं। आप, मैंने सुना कि भाई उन्होंने वीडियो डाला अपना यूट्यूब पे, तो हाथों हाथ उनको यूट्यूब से मैसेज आया कि 3 करोड़ आपके अकाउंट में आ चुके हैं। मैं कहा इतना बड़ा फेम हाथों हाथ नहीं मिल। ये तो मुझे नहीं पता, बट सीरियसली उन्होंने जो जादू करा है ना, ये कैण तो डरा और वो वाला अच्छा लगता है मुझे, जब वो सोच कहते हैं वो वाली ना, सॉरी डार्लिंग सॉरी डार्लिंग, जो वाली वाली मस्त है उसकी रात लाइन। घनी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। और कोई भी आता है इनका, काफी सॉन्ग है बट अभी मैं मतलब सॉन्ग सुनता हूँ, लिबास उनके बहुत याद नहीं करते, अच्छा लेकिन वीडियो में लिपसिंग अच्छी हो जाती है, ऐसे नहीं है। होता। हाँ एक वो लिबास गाना भी अच्छा है इनका ना, लिबास जो चल रहा है वो क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार। अभी चलाते हैं हम उनके लिए और क्या अब सॉन्ग। वो आने वाला है ना, काले रंग दे ये चुकी, मैं समझ क्या गया, आप हाल है वीडियो भाई, करते कैसे हैं हो? ना बढ़िया, सर। कैसे हो? आपके आपके फेसबुक पे और यूट्यूब पे सारे वीडियो देख रखे हैं आपके, अरे वाह, मतलब रील्स और थैंक इनकी यू जो सो आपके जितने भी प्रैंक थे ना, वो सारे इन्होंने बताया मेरे को कि मच। यश चौधरी अच्छा अच्छे प्रैंक करते हैं, आप इनकी वजह से मैं आपको फॉलो करने लगे हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच एकदम से भाई, आपके रील्स और लोकप्रिय। आपके जितने सारे प्रैंक थे मैंने सारे देखे हैं।
थ्री पॉइंट अच्छा वन थ्री टू सारे देख लिए मैंने। अरे वाह, थैंक यू सो मच भाई, और बताओ। बढ़िया, बस एक रिक्वेस्ट है यार, फॉलो बैक कर लो ना, मैं पूरे गांव में आग लगा दूं भैया। एक दिन मुझे जिस दिन मेरे दिल ने कहा मैं उस दिन से फॉलो बैक भी स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको मैसेज किया था भाई, मुझे आपसे मिलना है, तो क्या आप दिल्ली आओ, दिल्ली आके मैं बता दे रहा हूँ आपको, लोकेशन सेंड कर दूंगा मैं। क्या देखो आजकल मैं थोड़ा सा ज्यादा आजकल मैं ज्यादा ध्यान देना। हाँ, और अभी वैसे ब्लॉग अपलोड कर दिया क्या? नहीं देखो, ब्लॉग के लिए मैं अभी जाऊंगा, देखो कहीं पे नई जगह पे जाता हूँ। मुझे पता है मेरे ब्लॉग ऐसे ही होते हैं, थोड़े फनी फनी से, अजीबो गरीब से। मेरे सारे ब्लॉग काल्पनिक होते हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, जगह कोई होती है, डायलॉग कोई होते हैं, स्क्रिप्ट कोई होती है, तो ब्लॉग ऐसे ही है मेरे। मुझे नहीं पता वो देखने लायक होते नहीं होते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे ब्लॉग देखने लायक भी होते हैं नहीं पता नहीं, बट मुझे उसमें अजीब अजीब जो हरकतें होती हैं। आप क्या बोल रहे भाई, आपके ब्लॉग ऐसा कोई बंदा नहीं होता आपके ब्लॉग ना देखे, जिसने एक बार देख लिया ना आपके और हिट्स के मिक्स वाले ब्लॉग, तो भाई वो आपके पूरी लाइफ तक आपको फॉलो करेगा, ये गारंटी है मेरी। बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं, मैंने आपके एक ही ब्लॉग देखा, मैं आप सारे ब्लॉग नहीं देखूंगा, इनके सारे ब्लॉग एक ही नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। चलो मैं और भाइयों से भी बात कर लेता हूँ, मन यार आज मुझे भाइयों में कौन कौन काका को फॉलो कर रहा है। इट्स दानिश 10 के भूलना मत भाई यार। हाँ तो दानिश 10 के भाई की आईडी आप लोग सुन चुके, तो फैलाओ यार प्यार, सब फॉलो करो आपस में एक दूसरे को, रखो एटीट्यूड कदमों में, आंखों में और दिल में, बस प्यार भाई यार। बस दिल्ली आके मिलूंगा भाई। है अरे बिल्कुल, मैसेज कर देना आप भाई। ओके भाई, लव यू यार, बाय, लव यू टू। ओ मैंने तेरा वीडियो यार, तो और कोई यार मन कर रहा है आज काका भाई का फिर से सॉन्ग सुनने का, यही वाला दस की करा तेरे ते मरा। मुझे भी एक थोड़ा सा याद नहीं आता, मैं भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कह लेण दे। इससे आगे नहीं आता मैंने को, बट एक दिन मुझे ना ये पूरा याद होएगा तो पक्का मैं जरूर गाऊंगा। और कैसे उस लोग सोनल, कैसे हो आप भाई? भाई अच्छे तो मेरा ही नाम है। हर सिंह भाई जी, भाई जी कैसे हैं आप जी? चलो बताओ मुझे कौन सा, कौन चाहता है यहाँ पे काका भाई का गाना गाने की, ये बताओ तो एक बार लाइव कराते हैं भाई के साथ में। एनीबडी इज देयर जो काका भाई का सॉन्ग गा सके जी? श्रुति जी कैसे हो आप? चौधरी साहब क्या हाल है? राम राम जी। रियांश भाई क्या हाल है? मुझे भी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं धीरे धीरे बात करूंगा, बट यार आज मेरा मन है कि मतलब वो काका भाई का सॉन्ग सुना जाए और साथ में सभी लोग सुने जी। हेलो यार, तो दोस्तों मुझे बताओ कि मैं सोच रहा हूँ एक ब्लॉग शूट करूँ, तो कौन सी जगह पे आया जाए या कौन से शहर आया जाए, ऐसा बताना है जहाँ मैं गाड़ी लेके आ सकूँ। मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग आउट ऑफ इंडिया बता दो, दिल्ली में बताओ यार, जो लाइक जैसे मसूरी हो गई और आपका ये नैनीताल हो गया, ऐसा कुछ। अच्छा और बताओ, अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ क्या शिमला में? कोई शिमला से है यहाँ पे? कोलकाता, कोलकाता थोड़ा सा दूर है, बट आऊंगा जरूर वहां भी। अच्छा हाँ, दिल्ली में ही ब्लॉग बना लूं मैं। दिल्ली नहीं, क्या कहते हैं, दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल सीपी, तो चलते हैं हम सीपी के और एक छोटा सा ब्लॉग बनाने, कुछ ऐसा। पंजाब या चंडीगढ़ आए थे हम कुछ टाइम पहले ना, सेक्टर 17 वगैरह। अच्छा कदे ता तू आवेगा यार, ये वाला तो गाना बहुत अच्छा है। हाँ ये मैंने एक बार गाया था, कदे ता तू आवेगा ओए उस ही चुराहे ते जानी वाली पिच, नहीं उस ही चुराहे, हाँ उस ही चुराहे ते जेड़े सी चुराहे ते गया मैनू छड़ के ओ जानी वाली पिट भी घुमा के पीछे तक आना।
वैसे यार पता है मैं सिंगर विंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना गाने सही भी नहीं गा पाता मैं, लेकिन कभी कभी ना मजा सा आता है उनको गाने में। कितना दर्द होता है यार। और एक अपनी जानी भाई, ये तो अपने सबसे ज्यादा दर्द भरे आदमी है। मतलब अगर कोई बात करे पंजाब में सबसे ज्यादा दर्द किस पे, तो जानी भाई के पास है। राजस्थान में मैं भानगढ़ की तरफ आया था। प्रैंक वीडियो एक आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखी प्लीज चैनल पे जाके विजिट करे। अच्छा चलो, कौन कौन चाहता है कि सारिका के ऊपर प्रैंक हो जाए? सारिका वो है जो मैंने सारूल लुथरा, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, एक दिन में ही उनके 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, एंड शी इज वेरी हैप्पी राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ यू फैमिली। सो कौन कौन चाहता है कि मैं सारिका के ऊपर प्रैंक करूं? तो कौन कौन चाहता है कि सारिका के ऊपर प्रैंक आना चाहिए? अच्छा, जो जैकेट वाली शॉप है वो मोहम्मदपुर में है, दिल्ली में, जब आप रिंग रोड से, मतलब होटल हयात के आगे पड़ता है मोहम्मदपुर। दिल वाले स्टोरी मूवी का ब्लॉग बना ले यश भाई। दिल वाले मतलब, दिल वाले कौन सी पिक्चर? मतलब जो पुरानी वाली थी और जो शाहरुख खान वाली थी, या जो नई वाली आई है जो सुपर डुपर, वो उनकी कौन से, धवन साहब की फ्लॉप पिक्चर? रुहान भाई क्या हाल है? काम का के मैं नहीं श्योर क्या हाल है। जगदीश भाई कैसे हो? अमित भाई क्या हाल है आपके? ये अपना कट रोंदी चूतिये सोजा थैंक यू मेरे भाई लोडू, कैसा तू? गौरव कुमार क्या हाल है जी? यशवंत भाई कैसे हो? देखो, और सभी भाइयों से सॉरी यार, जिन भाइयों को मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ, मतलब प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है, बट प्रॉपर कोशिश भी यही रहती है कि यार सबको रिप्लाई कर पाऊँ, बट आजकल मैं कर रहा हूँ बहुत सारी लोगों को रिप्लाई। ओम सिंह इंडिया क्या हाल है भाई? राम किशोर भाई क्या हाल है? अरे यार सर्वर मत बोला करो, भाई बोल दिया करो, दो चार गालियां दे दिया करो, सर बड़ा अजीब सा लगता है। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ यार, मैंने भी स्ट्रगल किया है ताकि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूं, तो इसमें सर कोई बात नहीं है। हाँ बिलाल भाई क्या हाल है आपके? अच्छा बताओ यार भाई, सुना दो यार वो वाला कौन सा गाना था, कह लैण दे, कोई है कह लैण दे वाला जो भाई लाइव आना चाहता हो? सिंह साहब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? और एक अपने किसान भाइयों के लिए, तो जितने भी किसान भाई आजकल अनशन पर हैं और बहुत स्ट्रगल वाला टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, क्योंकि हम किसानों के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसान ही है जो हमारे घरों तक रोटियां पहुंचाते हैं, जो मेहनत करते हैं दिन रात खून पसीने से, उनकी वजह से ही हम लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारी तंदुरुस्ती है। चाहे वो किसी भी चीज की खेती हो, फल की हो, फ्रूट की हो, ये सब किसान ही करते हैं। तो हमारे अन्नदाता, मतलब भगवान के बाद अगर धरती पर कोई है जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, तो वो किसान है। तो एक जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों को दिल से लव यू, आप जिस चीज के लिए ये कर रहे हैं उम्मीद है वो जरूर पूरा होगा, और सारे फैसले अपने किसान भाइयों के हक में ही आएंगे जी। दिल्ली का कड़क लौंडा, थैंक यू भाई। जतिन भाई क्या हाल है? सोनिया कैसी हैं आप? अयान अन्नू कैसे हैं आप? ठीक है भाई, एक बार मेरा नाम भी ले लो। अरे भूपेंद्र भाई आपने बड़ी बात किया, कैसे हो भूपेंद्र भाई आप? आई मिस यू ब्रदर। भाई मैं जिंदा हूँ यार, मिस यू डू एनीवे यार, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? सागर भाई, ये सागर भाई यार, एक्चुअली थोड़े दिन शाह का इशू है मेरे साथ में, कोई नहीं। ओके अमित भाई क्या हाल है? अजय पटेल जी, तो यार एक बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सारिका के ऊपर प्रैंक किया जाए क्या? तो डरा कैसे है? बढ़िया, दुआएं भाई आप लोगों की।
जय जवान, जय किसान यादव साहब जी। जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं जी? हिना खान, कैसी हैं आप जी? राजीव भाई, ध्यान रखें आप भी। और राम राम भाई जी। ओहो, जाट साहब, राम राम भाई, क्या हाल है? यार बहुत पहले ना एक गाना था ना, वो वाला मिक्का वाला, जटा कछोरा जटा कछोरा जटा कछोरा, यार बड़ा कैम गाना था एकदम। मरघट ते चढ़ के आ रहा नहीं वो, आ हरियाणा के खेता में सोना उगलेगा रेता में, चला खेल कबड्डी कुश्ती का, तू देख नजारा चुस्ती का, दुनिया में सबसे न्यारा जटा का छोरा, जटा का छोरा, जटा का छोरा, जटा का छोरा, यहाँ 10 की करा तेरे ते मरा लैंड दे। यार ये गाना भी मुझे याद ही नहीं हो रहा, मन तो बहुत कर रहा है। दस भी करा तेरे तो मैं ना कह तू डर क्या लैंड दे। अमित भाई, क्या ले? अंकित भाई, कैसे हो? प्रिंस भाई, कैसे हो आप? मोहित भाई, राम राम भाई जी। डीजे दीपक, क्या हाल भाई आपके? श्रीमान, क्या हाल भाई, कैसे हैं आप? राम किशोर भाई, राम राम। प्रियंका कटारिया, कैसे हैं आप? बढ़िया। पॉइजन, ओहो पॉइजन भाई, आपका नाम पॉइजन है? आपका आज रियल नाम होता तो मैं ले सकता। तो भाई का नाम एकदम जहर है, जहर। क्यों पॉइजन भाई? गिरीश कुमार भाई, क्या हाल है आपके? यार गाना याद ही नहीं आ रहा वो मुझे। मैं गिरीश भाई, बस दो ही लाइनें याद हुई है। दस की करा तेरे ते मरा, कैन तो डरा कै लैंड दे। इसके आगे पता नहीं कब आएगा यार। सच में यार, सिंगर होना भी ना कितनी बड़ी बात है, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। सतवीर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? शिवा भाई, क्या हाल चाल आपके? शिवा भाई का मुंह लाल, मुंह पे पट्टी, लाल मुंह पे पट्टी, लाल मुंह पे पट्टी। इस कमेंट का भाई मैं यही बोल सकता हूँ। साहिल भाई, कैसे हो आप? डमोर, हेलो भाई, क्या हाल है? शीतल शर्मा, कैसे हैं आप? और सोनल, लालमू। आप प्रियंका जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। लॉयल हार्ट, क्या हाल है भाई आपके? डीजे, अच्छा सॉन्ग गाना है, ज्वाइन करो। अरे डीजे भाई, बिल्कुल यार। तो दीपक भाई आ रहे हैं यहाँ पे एक सॉन्ग गाने के लिए। अच्छा आपको भी आता है? ठीक है, अभी ना दीपक भाई आने वाला है शायद। हेलो यश भैया, अरे क्या हाल है, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप यार पढ़ ही नहीं रहे हो। जी भाई, देखो मैसेज कर रहा था, आप पढ़ ही नहीं रहे। भाई, आप देख रहे हो कि कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप बताओ, मैं 1 सेकंड भी चुप रहा नहीं रहा ना, सबसे बात कर रहा हूँ ना तो इसलिए खुद चलो भाई गाना सुनाओ यार, आप कह रहे थे ना गाना सुनाना है। का सुनाऊंगा। अच्छा खुद का है आपका? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, खुद का सुनाओ यार आप। तो दोस्तों दीपक भाई गाना गाने वाले, इनका खुद का है ये। ए सोनी अब आ भी जा, ए जानी अब आ भी जा, तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगता, मैं ता तेरे लिए सपने सजाया, तेरी यादों को मैं छुपाता आया, तू बस आ भी जा, ए सोनी अब आ भी जा, तू कहाँ गई मैं ढूंढूंगा, मैं रब के घर से बुला लूंगा, तेरा हाथ तुझे थामा है अब ना मैं छोड़ूंगा। भाई दीपक भाई यार मजा, ये आपने खुद ने लिखा है? खुद ने लिखा है, यार दीपक भाई आप तो बहुत अच्छा लिखते हो यार। एक और लिखा था एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए, ये वाला लड़के के लिए था? नहीं, एक लड़की के लिए लिखा था एक रैप। ये वाला गाना दूसरी लड़की के लिए था? हाँ अच्छा, आपकी लाइफ में एक और भी लड़की थी? हाँ आपकी लाइफ में एक और लड़की भी है?
बहुत अरे भाई हमारा कैसो नोवा हो रहा है, छोरी की स्माइल देखो कैसो नोवा। चलो सुनाओ दूसरा वाला। हाँ दूसरा वाला सुनाता हूँ। तू दे दे अपना नंबर, मैं करूंगा तुझे कॉल। सारी सारी रात डिनर पे होगी कॉल, क्योंकि पूछना तो बनता है, घर पे ना हो क्लेश। फ्यूचर प्लानिंग करनी और शादी भी करनी है, मम्मी को मना लूंगा, पापा को मना लेना, फोटो मांगे तो चल फोटो भी दिखा देना, धीरे धीरे नहीं तेजी से पटा लेना, पापा से डर लगता शादी के बाद चला देना। तुम आके बात करोगे मैं नहीं करूंगी, मुझे डर लगता पर शादी तो तुमसे करूंगी। बाबू ये कौन सी बात है, दिमाग क्या खराब है, बच्चों वाली बात मत कर, घर वालों से बात कर। वो भाई मजा आ गया यार, क्या बात है ये भाई, इतना अच्छा दिमाग है तो यार इसको कहीं लगाओ ना, या लगा बंदियों के दिया पीछे भैया, जाके एक करोगे। एक हाँ सॉन्ग आने वाला भोलेनाथ पे। हाँ अरे वाह यार अच्छा किया आपने, करते रहो यार, पता है आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है डीजे दीपक भाई। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो करवा ली गया भोलेनाथ, आपका, रिकॉर्डिंग अच्छा करवा ली है। ठीक जब आपका गाना आएगा तो मुझे लिंक भेजना ठीक है, और मैं है आपको भैया, कर भेज ओके देते ठीक हैं। है। और सब बढ़िया आपके यहाँ पे, तो बढ़िया भैया, अब मतलब लॉकडाउन आपका लगा है। क्या, अब आपका क्या कहना है कि मतलब हर बार जब एक गाना लिखोगे तो हर बार एक नई लड़की के पीछे जाओगे नहीं जाओगे, कितने मजाक कर रहा था मैं, साथ में आएंगे सीरियस आप, हो कितने, गया। अच्छा एक बात बताओ अभी आप कितने गाने लिख सकते हो, तो बहुत सारे लिखे हो, अभी रिलीज नहीं किए। मतलब बहुत सारे लड़के हैं आपके पास यार ये तो गलत बात है भाई, ऐसे कर रहे हो आप थोड़ा ध्यान दो यार करियर वरियर पे, है करियर का भी ना। भैया गाने भी है। अरे बनेगा, वो कहता ना एक बॉल किल्ली उड़ा देती है, तो और वो बॉल एक ऐसी भी होती है जिसपे सिक्स भी लगता है, तो वेट करो वो बॉल भी आती है जिसपे छक्का भी लगेगा और लाइफ भी बनेगी। ठीक है मजा आ गया भाई, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू, चलो भाई मैं मैसेज और लोगों से करूंगा करता आपको, हूँ। हाँ मैसेज करूंगा अभी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अभी मैं पहले बहुत सारे लोगों से सबसे बातें कर लूँ। ओके हाँ बाय बाय, लव अभी यू टाइम यार, है ना। बाय बाय। बाय। तो यार दीपक भाई में भी काफी अच्छा टैलेंट था वैसे, तो दीपक भाई में भी बहुत अच्छा टैलेंट था, और कोई जो अपने अंदर का टैलेंट दिखाना चाहे उनसे बात की जाए। नियाज भाई बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अच्छा हाँ चलो बाय बाय, अच्छा बाय कर रहे हो, अच्छा अच्छा बाय ही कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं ठीक है। और कोई भाई जो मतलब भाई या बहन, बहन की भतीजी या भतीजी की बड़ी बुआ भी है, जय हिंद यश भाई कैसे हैं आप जी। शिवा वर्मा क्या हाल है भाई, और कौन कौन है भाई यहाँ पे। यश भाई एक बात बताओ यार प्लीज, कुज में का गुड़ी क्या हाल है भाई, आ एक मिनट, खुज में का गुड़ी, अच्छा हम आपका नाम नहीं ले पाते इसलिए हमारी नहीं समझ में आती हम क्या कहते, कोई बात नहीं फिर भी भाई आप कैसे हैं। पूनम शर्मा आप कैसे हैं पूनम, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए, बहुत प्यारे हो गए। और विराट भाई क्या हाल है, राम राम। शहद भाई क्या हाल है आपके, विजु भाई कैसे हो आप, लखेरा भाई क्या हाल है कैसे हैं, ग्रेस भाई क्या हाल है, संदीप भाई क्या हाल है आपके, एट स्टार क्या हाल है भाई आपके। चलो यार और लोगों को ऐड करते हैं, वाह सजन जी ये थोड़ी आख्या ने बाता, थोड़े दिन थोड़ी आई ने रात, हाय दीदी कैसे हो, अस्ते दीदी कैसे हो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
दी आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो दिल से नमस्ते आपको, एंड दिल से तो आगे बोलिए। दिल से एक अच्छी पिक्चर थी, वो बहुत पहले देखी थी। चलो और किसी से लेते हैं। यार पता, मैंने सोचा था कि हमारे इंडिया में ना यार बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वो काका भाई का गाना होता होगा। एक ही बंदा आता था और उन्होंने ही सुनाया। अच्छा था उनका भी यार। यार मेरे को तो ऐड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। केड़ा साडा बापू कर दबल लखनी जेड़े तेरे शहर ने नवाब लड़नी। तू बदमाशियां करदा और किसके यहां नो पड़ी या नहीं? अरे कैसे हैं आप लोग? आई छोटा सा बोले कैसा है छोटे भाई? यार छोटा सा बोले बेटा। हाँ बेटा, हेलो हेलो। अच्छा बूढ़े हैं आप भाई? मेरे पास ना देखो, इन भाई का दर्द ना मैं समझ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना ट्रांसलेटर नहीं है। सो किसी और को करते हैं। थैंक यू बेटा। निखिल भाई, सो निखिल भाई को करते हैं आपके पास। निखिल भाई, निखिल और भाई भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बढ़िया, आपकी दुआएं। मेरा हमारे इंडिया का ट्रेंड है ना, जैसे फ्रंट कैमरा ऑन हो सबसे पहले लड़के तो यूं ही करते हैं, लड़कियां यूं करती हैं। भाई बिल्कुल एसएस लेने दो, एसएस एसएस लेने दो, डन ले लो। डन। डन। तो लड़के जैसे मतलब फ्रंट कैमरा देखते हो ऐसे स्टार्ट करते हैं ना हाँ भाई लड़के। और निखिल भाई सब बढ़िया? बस सब बढ़िया भाई, और बताओ, आप बताओ। यार दुआएं यार। अच्छा कहाँ पर हो यार? बड़ा सन्नाटा है। मैं अभी ऑफिस में, ऑफिस अकाउंट ऑफिस में है यार? ऑफिस में चुप रहते हैं, बड़ा अजीब सा नहीं लगता है? मतलब ऑफिस में भी ना एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जब बोर हो जाए तो बंदा जाके खेल ले थोड़ी देर, है ना। सब अपने आप में बॉस बनते हैं यार वहां पे। ऑफिस की लाइफ यार बड़ी अजीब होती है। बड़ा हर बंदा बड़ा अकेला होता है। मतलब हर बंदा जो अपने घर में छोटा होता है, मतलब वो वहां जाके लगता है कि मैं ही अपने घर का सबसे बड़ा हूँ। सच ये बात की आपने, बहुत यानी फुल नॉलेज में आपको यार वहां ऑफिस जाके ऐसे का, लगता है। फुल हाँ नॉलेज है आपको ऑफिस का। मेरे मेरे ऑफिस का दर्द आप नहीं समझ सकते। दुआ करूंगा कि वो लाइफ किसी को ना मिले कभी देखने को, या जिस मतलब जैसी मेरी लाइफ अब देखी हो। मेरा सेवन टाइम बहुत ही अलग है। जो अगर किसी को बताऊं तो लोगों को लगेगा ये सिर्फ एक कहानी है, अच्छा इसलिए तो मैं उस कहानी को ना कहानी रहने देता हूँ और इसीलिए स्माइल रखता हूँ मैं। चल ठीक चलो ठीक है भाई, मिलते है। ऑफिस में बंदा है यार, बात नहीं कर सकता भाई। करो ना यार, मुझे तो बात करनी है भाई आपसे। इसे कहते हैं मजबूरी। कॉल पिक हुई तो कहां पे हुई? क्यों निखिल भाई? कोई बात नहीं, बॉस ज्यादा बोलेगा ना बात करा देना। नहीं, इट्स नहीं, ऑफिस में ही नहीं। चलो कोई नहीं, चलो डू योर वर्क यार, काम सबसे पहले है। कर्म ठीक है भाई। ही पूजा है और पूजा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ भाई, हाँ कर्म ही पूजा है और पूजा बहुत अच्छी लड़की है, उसका भाई, ध्यान रखना भाई बाय भाई। बाय। तो यार मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप बताओ कैसे? हाँ तो निखिल भाई से मजा आया यार। ऑफिस में बंदा कैसे पिक कर लेता है कॉल, और उसके बाद थक गया हूँ यार बोल बोल के। यार मुझे लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए, तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा जल्दी आऊँ मैं। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया यार।
आप सबसे बात करके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। एंड वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सो बाय बाय, थैंक यू दो नहीं, थैंक यू सो मच दोस्तों।